एक सिंपल हाउस प्लान डिज़ाइन। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे इस प्लान डिज़ाइन को। तो इसके लिए हमें जो चाहिए, यहाँ पर डोर और इधर एक डबल डोर या आर्च डोर आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर भी मेन गेट यानी डोर, ओके। नेक्स्ट इधर डोर, नेक्स्ट इधर ऐसे डोर रहेगा। तो डोर का जो ओपनिंग है यहाँ पर ऐसे आपको दिखाई देगा, ओके। इसलिए हमने डोर का जो सिंबल है हम ऐसे यहाँ पर ऐड करने वाले हैं ऐसे। नेक्स्ट इधर ऐसे डोर इधर ऐड करेंगे, उसके बाद इधर, नेक्स्ट इधर, ओके। उसके बाद इधर से एंट्री। इसको कंप्लीट करने के बाद हमें जो करना है इसके अंदर थोड़ा सा कुछ कलर ऐड करना है। तो जो कलर हमें ऐड करना पड़ेगा इसलिए हमें ऐसे वॉल के अंदर यहाँ पर दो विंडो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हॉल रूम बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बड़ा हमने किया है। तो आप अगर आपके पास साइड में थोड़ी सी जगह मिल जाएगा तो आप इसे डिज़ाइन करके घर बना सकते हैं। तो आपके पास अगर ज़मीन है तो यहाँ पर जो है 1120 स्क्वायर फीट का हाउस डिज़ाइन है। यहाँ पर देखिए ऐसे करना है। उसके बाद नेक्स्ट इधर भी हमें वॉल है जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वॉल, इसके हिसाब से हम यहाँ पर पार्टीशन वॉल 125 mm का। नेक्स्ट यहाँ पर हमें वॉल ऐड करना है। वॉल के अंदर ऐसे हम इसके अंदर विंडो ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर पार्टीशन वॉल, इधर भी पार्टीशन वॉल, नेक्स्ट इधर, नेक्स्ट इधर, उसके बाद इधर, नेक्स्ट इधर, नेक्स्ट इधर पार्टीशन वॉल, उसके बाद इधर ऐसे, इधर ऐसे, उसके बाद ऐसे हमें इसके अंदर भी पार्टीशन वॉल ऐड करना है, ओके। नेक्स्ट ऐसे। तो चलिए इसको कंप्लीट करने के बाद हम इसके अंदर विंडो का कलर ऐसे हाइलाइटर से हाईलाइट करेंगे ऐसे। हमें विंडो और जो वेंटिलेटर एरिया है, जो रेलिंग एरिया है, हम इसे हाईलाइट करने वाले हैं ऐसे 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 हम हाईलाइट करेंगे यहाँ पर ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऐसे रहेगा, ओके। नेक्स्ट इधर, नेक्स्ट इधर, नेक्स्ट इधर, नेक्स्ट इधर। तो कर दिया है इसको कंप्लीट। उसके बाद हम डिटेल्स इसके अंदर भरेंगे। डिटेल्स जो देखिए, एंट्रेंस इधर है, हमारा मेन एंट्रेंस इधर है। तो इधर से हमें एंट्रेंस ऐड करना है, एंट्री। उसके बाद यहाँ पर पोर्च एरिया, यहाँ पर गेट, यहाँ पर डोर, ओके, यहाँ पर डोर, इधर डोर, इधर विंडो, इधर विंडो, यहाँ पर बेडरूम, बेडरूम, नेक्स्ट इधर 11 feet 0 inch एंड इधर 12 feet 0 inch, ओके, इधर 12 feet 0 inch। नेक्स्ट पोर्च एरिया, यहाँ पर पोर्च, यहाँ पर सीट आउट एरिया, यहाँ पर ड्राइंग काम, डाइनिंग एरिया, यहाँ पर स्टेयर एरिया, यहाँ पर डोर, यहाँ पर वेंटिलेटर, यहाँ पर विंडो, नेक्स्ट यहाँ पर विंडो, सीट आउट एरिया, यहाँ पर पोर्च एरिया से आएंगे पहले 7 feet 6 inch एंड इधर डिस्टेंस
7 feet 0 inch। सीट आउट एरिया 7 feet 10 inch एंड यहाँ पर 7 feet 6 inch। ओके नेक्स्ट, यहाँ पर स्टेयर आप करने के बाद यहाँ पर किचन, किचन रूम 7 feet 10 inch एंड इधर डिस्टेंस 12 feet 0 inch। नेक्स्ट ड्राइंग कम डाइनिंग, यहाँ पर एटीन फिट फोर इंच एंड इधर 14 feet 4 inch। यहाँ पर विंडो, नेक्स्ट इधर विंडो। इसके अंदर ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया। तो पहले घर के अंदर आने के बाद इधर से दो, इस लेफ्ट साइड राइट साइड से बेडरूम, यहाँ पर किचन, इसके सामने एक ओपन हॉल रूम है, यहाँ पर स्टेयर एरिया है। आप चाहे तो इधर से एक डोर, आपको चाहिए तो आप यहाँ पर डोर ऐड कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर ज़मीन है तो आप ऐसे डोर इसके नीचे से ऐड कर सकते हो। यहाँ पर हम 3 feet 3 feet एंड इधर 3 feet ऐसे करके डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर 8 feet 10 inch हमें पूरा जगह मिलेगा और इधर जो टोटल लेंथ है यहाँ पर 10 feet 5 inch। ओके कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पर बाथ रूम, ओके यहाँ पर बाथ एरिया 7 feet 1 inch एंड यहाँ पर 4 feet 6 inch। उसके बाद डोर यहाँ पर बेडरूम, बेडरूम यहाँ पर 11 feet 0 inch एंड इधर 11 feet 0 inch। तो इसके अंदर यहाँ पर विंडो, नेक्स्ट यहाँ पर विंडो। उसके बाद यहाँ पर एक बेडरूम, यहाँ पर अंदर में एक विंडो, बाहर में एक विंडो, बेड रूम, यहाँ पर रहेगा डोर, वेंटिलेटर, यहाँ पर वेंटिलेटर, यहाँ पर डोर, यहाँ पर टॉयलेट, यहाँ पर लैट्रिन प्लस बाथ प्लस टॉयलेट एक साथ, ठीक है। 4 feet 4 inch डिस्टेंस और यहाँ पर 11 feet 0 inch एंड 12 feet 0 inch। यहाँ पर 4 feet 4 inch एंड 7 feet 7 inch। तो ऐसे करके हमने यहाँ पर जो डिज़ाइन कंप्लीट कर दिया है, उसके बाद हमें यहाँ पर कॉलम ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर ऐसे। नेक्स्ट इधर, उसके बाद इधर 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 इधर, नेक्स्ट इधर 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 इधर, ओके कॉलम ऐड कर दिया है। तो उसके बाद हमें जो करना है, यहाँ पर टोटल लेंथ 28 feet 0 inch ऐसे, नेक्स्ट इधर 40 feet 0 inch ऐसा रहेगा लेंथ। तो इसके लिए लेंथ कंप्लीट करने के बाद हमें जो है इसका, देखिए विंडो का पार्ट ऐसे इधर ऐसे रहेगा, तो हम इसके अंदर ऐसे, आप इसके अंदर ऐसे लाइन रेडी कर देते हैं हम, तो इससे आपको विंडो का जो सिस्टम है, जो डायग्राम है, ऐसे ये पर डबल लाइन होता है ऐसे ऐसा आएगा।
टोटल इसका जो स्क्वायर फीट है यहाँ पर 1120 स्क्वायर फीट एरिया। इसका बाहर का वॉल 5 इंच वॉल, अंदर का वॉल 5 इंच वॉल, इसका बाहर का वॉल 5 इंच वॉल। कॉलम यहाँ पर आप चाहे तो इधर भी एक कॉलम ऐड कर सकते, 10x12 इंच का कॉलम। ओके, टोटल जो बनाने में जो खर्चा आएगा, जो कॉस्टिंग आएगा, कॉस्टिंग यहाँ पर 20 लाख तक आएगा। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आपको प्लानिंग डिज़ाइन पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना।